एक प्रेमी और प्रेमिका घर से पहले तो भाग गए, फिर वो वापस आए और वापस आने पर चली ताबड़तोड़ गोलियां और 5 लोगों की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है पंजाब के बटाला की। पंजाब के बटाला में एक परमजीत नाम का लड़का रहा करता था, जिसकी उम्र थी 26 साल और वह जॉब किया करता था। अच्छे से समय गुजर रहा होता है, उसका घर परिवार भी ठीक ठाक था, कोई गरीब नहीं थे वो लोग। दोस्तों, समय गुजरते गुजरते उसकी नज़रें एक लड़की से मिल जाती हैं जिसका नाम गौहर होता है, जो कि थोड़ी ही दूर की रहने वाली थी, पड़ोस की ही थी। दोस्तों, दोनों के बीच में प्यार चढ़ता है और 3-4 साल तक उनका प्यार परवान चढ़ता है। अब 3-4 साल तक प्यार करने के बाद दोनों प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना हम एक दूसरे से शादी कर लें, और शादी करने के लिए पहले घर वालों को मनाना पड़ेगा। तो दोनों ही डिसीजन लेते हैं कि हम अपने अपने घर वालों को पूछेंगे शादी के लिए। दोनों ही अपने अपने घर वालों को पूछते हैं, लेकिन दोनों के ही घर वाले मना कर देते हैं और बाद में लड़के के घर वाले हामी भर लेते हैं, राजी हो जाते हैं, लेकिन लड़की के घर वाले बिल्कुल मना कर देते हैं। अब वो डिसीजन लेते हैं कि क्यों ना हम घर से भाग चलें, हम एक अपनी नई दुनिया बसाएंगे और आराम से अपना जीवन गुजारेंगे। दोनों ही अपने अपने घर से फरार हो जाते हैं और दूर चले जाते हैं। दोस्तों, दोनों के ही घर वाले उनको ढूंढ रहे होते हैं, दोनों के ही घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं और फिर उनके पास फ़ोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा तुम घर आ जाओ, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। उनको बातों में फंसा कर उनको घर बुला लिया जाता है और जैसे वो घर आ जाते हैं अपने अपने घर रहने लगते हैं और फिर दोनों की शादी की तैयारियां शुरू की जाती हैं। लेकिन लड़की के जो घर वाले थे वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से कह रहे थे, उनके मन में बहुत ही ज़्यादा खोट था, वह शादी नहीं करवाना चाहते थे। तभी शादी के टाइम पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं और जैसे ही इकट्ठे होते हैं लड़की के घर वाले जो होते हैं वह लड़के के घर वालों से लड़ाई करने के लिए घूम रहे होते हैं, किसी बात को ढूंढ रहे होते हैं कि किसी भी बात पे लड़ाई बाजे बस। दोस्तों, फिर वो आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं और लड़की के घर वाले सीधा बंदूक चलाते हैं लड़के के पिता के ऊपर। लड़के के पिता की छाती में गोली लगती है और वह वहीं पर ढेर हो जाता है। उसके बाद भीड़ में गोलियां चलाई जाती हैं, लड़के वाले भी लड़की वालों के ऊपर गोलियां चलाते हैं और लड़की के भाई को गोली लगती है, वह भी वहां पर ढेर हो जाता है। इसी तरह से 5 लोगों की वहां पर मृत्यु हो जाती है। हॉल के अंदर सन्नाटा पसर जाता है, खूनम खान पूरा फर्श हो जाता है। जब लड़ाई बंद हो जाती है तो पुलिस आती है, पुलिस डेड बॉडीज को अपने कब्जे में लेती है और उन दोनों पार्टियों को अरेस्ट कर लेती है और उनके ऊपर केस दर्ज किया जाता है, उनको जेल भेजा जाता है। तो आप इस प्रेम कहानी से क्या सीख लेंगे? क्या यह प्रेम कहानी सीख लेने लायक है या नहीं है? वो दोनों प्रेमी और प्रेमिका अपनी जिंदगी को बचाना चाहते थे लेकिन ऐसा कांड हो गया। यहाँ पे किसकी गलती है? क्या उस प्रेमी और प्रेमिका की गलती है जो 5 लोगों की जान चली गई, या फिर आप ये कहना चाहोगे उनकी कोई गलती नहीं है, घर वालों की गलती है? तो आप किसकी गलती यहाँ पर मानेंगे और इस जो हत्याकांड हुआ है इसका गुनहगार कौन है असली मायनों में, उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसी घटनाएं हो जाती है दोस्तों, दो लड़के और लड़की जब प्यार करते हैं तो बहुत सारे लोग उनके खिलाफ होते हैं, क्योंकि समाज में मानना ये है कि बच्चे अपना जीवन साथी नहीं चुन सकते हैं, कोई ना कोई गलती हो जाएगी। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे लिए रिश्ता ढूंढते हैं, हमारा जीवन साथी ढूंढते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कहना चाहते हो? उन दोनों लड़की और लड़के ने यह हत्याकांड करवाया, उनकी वजह से हुआ, वह गुनहगार हैं या नहीं हैं? या फिर आप ये कहना चाहते हो कि वो तो प्यार करते थे, उनका कोई कसूर नहीं है? आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाकर लेकर आता हूँ जो कि सच्ची घटनाएँ होती हैं और समाज के अंदर घटती हैं। इन घटनाओं को बड़ा मीडिया नहीं दिखाता है क्योंकि उनको शर्म लगती है, और इन घटनाओं को निकाल कर मैं लेकर आता हूँ आपके समक्ष। बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही कोशिश की जाती है, तब जाकर ये घटनाएं आपके सामने आती हैं। तो इन घटनाओं से सीख लें, अपने परिवार में कोई भी ऐसी वैसी हानि ना होने दें और कुछ ना कुछ अच्छा ही करें। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।